गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन जीमेट प्लेटफॉर्म। बच्चों सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे आ जाइए, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और ये स्पेशली आपका टॉपिक वाइज सेशन चल रहा है। और आज का हमारा टॉपिक चलेगा उत्सर्जन तंत्र, है ना। उत्सर्जन तंत्र हमने लास्ट में भी किया था, बहुत सारे हारमोन्स के बारे में पढ़े थे, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़े थे, उनकी इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़े थे। आज और हमें उसी क्लास को आगे बढ़ाना है और जितने भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। सभी बच्चे हमारे आ जाएं और बिल्कुल हम लोग अपने एक एक क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। और कल लगभग हमने 30 क्वेश्चन तक आपके करा दिए थे, है ना, 30 या 25 तक करा दिए थे लगभग लगभग। उन्हीं से आगे की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, वहीं से हम लोग आगे की ओर चलेंगे कि आपके कौन कौन से कोशिकाएँ होती हैं, कौन कौन से सेल्स कौन कौन से हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, है ना। इन सब के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। यहाँ तक हम लोग ने बात कर ली थी, आज हम लोग यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग भाई कुंदन है, डेविल है, अंकुश है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे सभी बच्चे हमारे जुड़ सके। देखिए पिट्यूटरी का डैश हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात की जा रही है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है डैश हार्मोन्स स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उसमें दुग्ध उत्पादन को नियमित करता है। कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो जो किसकी जो आपके स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए और साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन के लिए, मेमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई? सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोस्टैटिन या फिर प्रोलैक्टिन या फिर एडीएच? कौन सा हार्मोन्स है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और क्या काम करता है? मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है और साथ ही साथ आपकी मेमोरी ग्लैंड्स के विकास का काम करता है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, माँ की जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनसे मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है ना। उस टाइम कौन उसको आदेश देता है भाई? जो हमारा पिट्यूटरी हार्मोन्स है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, और वो कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है? तो वो हमारे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है बेटा? वो हमारे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। हमने आपको यहाँ पे बताया भी था, ये हमने आपको बताया भी था जो हमारे हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के। एक बार फिर से देखिए सभी बच्चों कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ये ग्रोथ हार्मोन्स का, वृद्धि हार्मोन्स का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड प्रेरक हार्मोन्स का, ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स का, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का और LTH का क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है। दैट इज द लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का काम क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट करना और साथ ही साथ क्या करना बेटा? मिल्क प्रोडक्शन। जब बच्चे का बर्थ होता है तो उस समय माँ की मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को प्रोड्यूस करवाने का काम कौन करवाता है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स करवाती हैं। कौन सी करवाती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स किस हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं? प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का अन्य नाम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का अन्य नाम क्या होता है बताइए भाई? पिटोसिन होता है, बर्थ हार्मोन्स होता है, लव हार्मोन्स होता है, या इनमें से सभी होता है? सभी बच्चे बताएंगे हमारे ऑक्सीटोसिन, है ना। ऑक्सीटोसिन का नाम सुन के सब बच्चे हमारे बहुत खुश हो जाते हैं। बताइए भाई किसका क्या होना चाहिए ऑक्सीटोसिन का? सभी बच्चे बताएंगे हमारे ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है? डी, बहुत बढ़िया। कुंदन है और ये हमारी सोनिया दीदी है ना। चलिए तो ऑक्सीटोसिन को हम क्या कहते हैं? पिटोसिन भी कहते हैं, इसको बर्थ हार्मोन्स भी कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को, और लव हार्मोन्स आप लोग तो सबसे ज़्यादा इसी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, है ना। ऑक्सीटोसिन आ गया मतलब ये क्या है, ये एक तरह का हमारा लव हार्मोन्स है। तो ये हमारा इन सभी से देखा जाए तो पहचाना जाता है, आपके पिटोसिन से भी, बर्थ हार्मोन से भी और आपके लव हार्मोन से भी ये पहचाना जाता है। ठीक है, चलिए
ऑक्सीटोसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है की बात की गई है। एक एक पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ने हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। चलो देखो ये क्या कह रहा है। ऑक्सीटोसिन के यहाँ पे काम हम आपको फंक्शन बताएंगे कि क्या क्या फंक्शन करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों को संकुचित करने का काम करता है। मतलब क्या, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, पेशियों को कॉन्ट्रेक्टाइल करवाता है, मतलब फैलाने का काम करवाता है, ठीक है। फैलाता है, सिकोड़ता है, फैलाता है, सिकोड़ता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि धीरे धीरे जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है वह बच्चे के बर्थ में सहायता करता है। तो बिल्कुल ये क्या करता है, हमारा ऑक्सीटोसिन मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों को संकुचित करवाने का काम करवाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, यह हमारा ये करवाता है। यह दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है। बिल्कुल, ऑक्सीटोसिन जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसकी जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है वहाँ से दुग्ध सिक्रीशन होने लगता है ना। यह हाइपोथैलमस में बनता है लेकिन प्यूस से स्रावित होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारा ऑक्सीटोसिन है बेटा ये कहाँ पे बनता है, ये बनता हमारे हाइपोथैलमस में है, लेकिन क्या है, सिक्रीट कौन करता है, हमारी प्यूस ग्लैंड्स इसको सिक्रीट करती है, ठीक है। इसका संश्लेषण इसका इट प्रोड्यूस इन पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी में प्रोड्यूस नहीं होता बेटा, है ना। तो असत्य कथन की बात की गई है, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बनता हाइपोथैलमस में है, और सिक्रीशन कहाँ से होता है, सिक्रीशन हमारे पीयूष ग्रंथ से। बहुत बहुत क्लोजेस्ट पॉइंट दिया गया था, बच्चा कंफ्यूज हो सकता था लेकिन बहुत बढ़िया, किसी बच्चे ने गलत आंसर नहीं दिया, उनने ये लगा लिया कि एक दो तीन मैम सही बता रही, तो अब चौथा यही होगा, है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा, इनके फंक्शंस को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, बर्थ हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है ना। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को किस नाम से जाना जाता है, बर्थ हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है ना। लव हार्मोन्स मतलब आपके क्या है, इमोशंस को जागृत करवाने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लव हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ही है और एक ही रहेगी, है ना। तो ये हमारा कौन काम करवाता है, ये हमारा ऑक्सीटोसिन काम करवाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये अभी हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सारे हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। ADH या वैशोप्रेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ADH एंटी डायुरेटिक हार्मोन्स है। ADH का फुल फॉर्म जरा लिख के भेजो सभी बच्चे, क्या है, एंटी डायुरेटिक हार्मोन्स है, है ना। अच्छा, ये क्या करवाता है हमारा, ये मूत्र के साथ जल के ह्रास को कम करवाता है। बिल्कुल, हमारा जल के ह्रास को कम करवाता है, ठीक है। यह रक्त वाहिनियों को संकुचित कर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अच्छा, इसका स्राव पिट्यूटरी से होता है या इनमें से, सभी सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे कितने बार। गुड मॉर्निंग, अच्छा राजू भाई, सबको भाई गुड मॉर्निंग। चलो अब आंसर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, कहाँ वहाँ पे तुम लोग भी पढ़े हो, ठीक है। चलिए 28 में आइए, 28 क्या कह रहा है, 28 कह रहा है वैशोप्रेशन का काम क्या होता है, वैशोप्रेशन का काम क्या होता है। बहुत बढ़िया, सोनिया है, कुंदन है, बहुत बढ़िया। ये अंशु हमारे क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं। देखो ये हमारे दो, इट रिड्यूस द वाटर लॉस विद द यूरिन, बिल्कुल सही है। इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द ब्लड वेसल्स, बिल्कुल ये भी सही है। सिक्रीट बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, बिल्कुल ये भी सही है। और ये तो हमारा कौन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या बेटा, इनमें से सभी आपका हो जाना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ADH की कमी से उत्पन्न होने वाली स्थिति है, निम्न में से कौन ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन्स की कमी से उत्पन्न होने वाली स्थिति है, बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, कई कई बार रिपीट हुआ है, ठीक। पहला दिया है डायबिटीज, है ना, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, डिहाइड्रेशन, पॉलीडीसीपिया
और इनमें से सभी बताएं भाई एडीएच की उत्पन्न एडीएच से उत्पन्न एडीएच की कमी से उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग है। तो देखो हमारे शरीर में अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, अगर ब्लड शुगर का स्तर हमारा बढ़ जाता है, तो हमारा उस स्थिति को क्या बोला जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस बोला जाता है। डिहाइड्रेशन, अगर बार बार यूरिनेशन होगा, अगर बार बार आप यूरिन के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल पानी तो निकलेगा ही, है ना। पॉलीडिप्सीमिया ये क्या होता है, इसमें भी हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। किसमें? ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, है ना, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सीमिया बोलते हैं। तो बिल्कुल ये सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है कि आपके एडीएच की कमी से ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है, है ना। चलिए आगे की ओर चले। बहुत बढ़िया ऑल, बहुत बढ़िया अमर जाटव बच्चा हमारे बता रहे हैं, अंशु कुशवाहा, ए होगा, ए नहीं होगा बेटा, है ना, सभी आपके हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, सारी स्थितियां जनरेट हो जाती हैं। ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, कौन सी ग्रंथि है जो हमारे मेलाटोनिन हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, पैराथायराइड हार्मोन्स, पीनियल हार्मोन्स, आपका ओवरी या फिर टेस्टिस। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सारे बच्चे इसको हमारे देंगे, कौन सी ग्रंथि हमारे मेलाटोनिन हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, बताएंगे। तो पैराथायराइड, तो अभी तो हम लोग थायराइड में आए ही नहीं, है ना, तो पैराथायराइड तो हमारे किसका, थायरोक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है ना, ओवरी ये करती नहीं है, टेस्टिस भी नहीं करता है, तो कौन करता है, हमारा जो पीनियल ग्लैंड्स है बेटा, ये किसका, मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। कौन? पीनियल ग्लैंड्स जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उस दिन भी हमने बात की थी, तो ये हमारे कौन कौन से हैं, हाइपोथैलमस है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस ग्लैंड्स है, पैंक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, टेस्टिस है, ओबरी है। ये कैसी हैं, हमारी एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी ग्रंथियां होती हैं, ये डक्टलेस नलिका भेन ग्रंथियां होती हैं। ये अपना हार्मोन्स डायरेक्ट कहाँ पे देती हैं, ये अपना हार्मोन्स ब्लड में देती हैं, है ना, ब्लड इनका हार्मोन्स ले जाने का काम करता है और पर्टिकुलर साइड में छोड़ देता है। ये कितनी हमारी, ये टोटल 10 है। यहाँ पे नंबरिंग की बात की गई है कि कितने कितने हैं, तो हाइपोथैलमस एक है, पिट्यूटरी एक है, पीनियल एक है, पैराथायराइड 4 है बेटा। पैराथायराइड का नंबर कितना है, 4 है, ठीक है, 4 हमारी पैराथायराइड ग्लैंड्स पाई जाती हैं। थाइमस ग्लैंड्स एक, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स एक, एड्रिनल ग्लैंड्स हमारी कितनी होती हैं, 2, एड्रिनल ग्लैंड्स कितनी, 2, टेस्टिस 2, है ना, और ओवरी हमारी 2 होती है, बाकी सभी हमारी एक ही एक होती हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे मेलाटोनिन की बात की गई है कि मेलाटोनिन हार्मोन्स का कार्य नहीं है, कौन सा हार्मोन्स, कौन सा काम मेलाटोनिन का नहीं है। अरे मेलाटोनिन हार्मोन्स जो हमारे शरीर में मेलानिन पिगमेंट का सिक्रीशन करती है, और मेलानिन एक पिगमेंट है, ये क्या करता है, गोरे और काले का निर्धारण करता है, काले नहीं कह सकते, सांवले का निर्धारण करता है ना, कि यदि मेलानिन की मात्रा कम है, मेलानिन पिगमेंट कम है, तो व्यक्ति क्या होता है, बिल्कुल गोरा गोरा होता है। अगर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है तो हो सकता है कि कलर थोड़ा सांवला हो जाए, है ना, तो ये हमारा सांवला तो हमारे कृष्ण जी का भी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। चलिए ये क्या कह रहा है, मेलानिन पिगमेंट का कौन सा काम नहीं है, बच्चे ने बता दिया, ए काम नहीं है। चलो देखते हैं, यह हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, बिल्कुल कह सकते हैं कि मेलानिन जो है, इसका एक और हार्मोन्स आएगा आपको, उसको परेशान नहीं होना है, यह भी हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, ठीक है। यह जंतुओं के त्वचा में मेलानिन वर्णक का निर्माण करता है, ठीक है, निम्न जंतुओं के त्वचा को रंगीन बनाता है, अरे निम्न नहीं, जंतुओं के त्वचा को रंगीन बनाता है, बिल्कुल, मनुष्यों में मूत्र ह्रास को प्रेरित करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। तो इसका कौन सा कार्य नहीं है बेटा, तो ये हमारे इट स्टिमुलेट द यूरिन लॉस इन ह्यूमन, ये कार्य नहीं है। बाकी हमारे मेलाटोनिन क्या करता है, सोने जागने को के चक्र को निर्धारित करता है, ठीक है, कि हम अगर हमारे मन
हमने सोच लिया कि हमें 4 बजे उठना है, तो बिल्कुल हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे बॉडी के अंदर अंदर, तो वो अपने आप 4 बजे हमें उठा देती है। बात वो अलग है कि आप आलस से उठें या ना उठें, लेकिन वो उठा देगी आपको। जो काम करना है ना, आप माइंड में एक बार सेट कर दीजिए कि हमें ये काम करना है, और 2-3 दिन तक सेट करते रहेंगे, 4th दिन आपका माइंड वही काम करने लगता है बच्चों, ठीक है। तो अपने मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में रखा करिए, बहुत चालाक है ये। अगर आपने 2 दिन पढ़ा, 3रे दिन नहीं पढ़ा, तो ये 4थे दिन कतई नहीं पढ़ने देगा। लेकिन अगर आपने 4-5 दिन लगातार पढ़ा, एक टाइम पे पढ़ा, तो वो 6वें दिन उसी टाइम पे आपको प्रेरित करने लगेगा कि अभी पढ़ने का टाइम है ना। जैसे सोने का टाइम है, हमें अपने आप 10-11 बजे नींद आने लगती है क्योंकि हम इस टाइम पे सो जाते हैं, तो अपने आप वैसी ही क्रियाएं होने लगती हैं, है ना। चलिए, और ये त्वचा के रंग का निर्धारण तो मेलानिन पिगमेंट करता ही है, कलरफुल स्किन भी बनाता है, ठीक। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई? इसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल। गोविंद कुमार मंदसौर यूपी से, बहुत एमपी से है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, मंदसौर से है तो ठीक है, हम भी एमपी से ही है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड्स, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स, लिवर ग्लैंड्स, या फिर आपकी अंडाशय? बताइएगा, सबसे बड़ी ग्लैंड्स की बात की गई है, तो सबसे बड़ी ग्लैंड्स हमारी कौन सी होती है? हाँ बिल्कुल, आपकी कौन सी होती है? लिवर ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है। कौन सी? लिवर ग्लैंड्स आपकी सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है। लिवर के बाद आपकी दूसरे नंबर में कौन सी आती है? पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स आती है ना। पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स आपकी दूसरे नंबर में सबसे बड़ी ग्लैंड्स आती है। तो अगर लिवर ग्लैंड्स नहीं दिया होता है, तो आपको क्या लगाना है? पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स लगाना है, ठीक है। कौन सी ग्लैंड्स लगाना है बेटा? पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स लगाना है। अगर ये दोनों नहीं दी होती, तब हम 3rd नंबर पे थायराइड में जंप कर जाते। अगर ये दोनों नहीं दी होती, तो सब हम लोग 3rd नंबर में कौन सी आती है आपकी? थायराइड ग्लैंड्स, है ना। अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ी लिवर, फिर आपकी पैंक्रियाटिक, फिर आपकी थायराइड है, ठीक है बेटा। चलिए, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अभी तो सबसे बड़ी की बात आई थी, अब सबसे छोटी ग्रंथि की बात की गई है। बताएं भाई, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सभी बच्चे बताएंगे, लिवर है, थायराइड है, पिट्यूटरी है, या फिर स्लाइवरी ग्लैंड्स है। सबसे छोटी ग्रंथि की बात की गई है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होगी हमारी, तो कौन सी होगी बता दें बच्चों, सभी बच्चे बता देंगे। बहुत बढ़िया, सबसे छोटी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लिवर ग्लैंड, ठीक है। सबसे बड़ी लिवर, सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। चलिए, नहीं बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था जीमेट के ही प्लेटफॉर्म में कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो वहाँ पे गोरखपुर करके ऑप्शन दिया था। बच्चों के एक मैंने 2 मैसेज देखे, वैसे तो नॉर्मली नहीं देखते, लेकिन उस दिन कुछ काम ही कर रहे थे तो दिख गया। तो वहाँ पे बच्चा बोल रहा था कि सर आप अपडेट नहीं हुए हैं, कैसा क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में आप थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि जो ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है ना। हाँ, हुबली का बता रहे हैं, देखो जयसवाल जी बता भी दिए। तो ये ध्यान में रखना कि जो क्वेश्चन दिया गया है और जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चूज करना है। आपको ये नहीं कहना है कि अपडेट हो गया या ये हो गया वो हो गया, वो तो क्वेश्चन है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है ना। चलिए, लैंगर हैंस की दीपिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? आईलेट्स ऑफ द लैंगर हैंस की बात की गई है। ये हमारे कहाँ पे पाई जाती है? पैंक्रियाज में पाई जाती है। ये क्या काम करती है? ये इंसुलिन हार्मोन्स के सिक्रीशन का काम करती है। तो कौन सा कथन असत्य की बात किया गया है? यह अग्न्याशय की बहिश्रावी भाग है, यह अग्न्याशय का अंतःस्रावी भाग है, यह इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, यह ग्लूकेगॉन हार्मोन्स को स्रावित करता है। बताएंगे भाई, जो हमारी आईलेट्स ऑफ द लैंगर हैंस हैं, ये क्या काम करती हैं? बताएंगे कौन सा कथन असत्य है ना, असत्य की बात पूछा गया है बेटा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। अब देखो, इंसुलिन का अगर सिक्रीशन करती है, तो ग्लूकेगॉन का भी तो सिक्रीशन ही करेंगी। और ये हमारी कैसी है? ये हमारी देखो, डक्ट में ये अंतःस्रावी बहिस्रावी में एक ही होगी, या तो अंतःस्रावी होगी या बहिस्रावी होगी। तो हमने पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स को क्या बताया? जो आपकी पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स है, क्या यहाँ पे दिया था पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स?
एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कहाँ? हाँ देखो, अंतःस्रावी और बहिस्रावी में एक ही ग्रंथि तो होगी, तो ये हमारी कैसी ग्रंथि है? दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना। ये देखो यहाँ पे दिया है पैंक्रियाज 1% ऑफ द पार्ट है ना। तो ये हमारी कैसी होगी? एक ही होगी, या तो अंतःस्रावी होगी या तो बाह्यस्रावी होगी। तो ये हमारी कैसी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि है तो अशक्त पूछा गया है, तो आप लिख सकते हैं कि यह बहिस्रावी, यह अग्न्याशय का अंतःस्रावी भाग है। हाँ बिल्कुल है, तो ये वाला हो जाएगा है ना, यह अग्न्याशय का बहिस्रावी भाग है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, डोंट नो, तो समझते चलिए चीजों को, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, चलिए बाकी ये क्या करता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। ये हमारा इंसुलिन क्या करता है? हमारा जो ब्लड है, ब्लड शुगर को मेंटेन रखने का काम करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन रखने का काम करता है। अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो डायबिटीज़, मधुमेह, डायबिटीज़ नामक बीमारी हो जाती है ना, डायबिटीज़ नामक बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। और ये किसका हार्मोन्स? ये जो हमारे ग्लूकोज है, ये ग्लूकेगॉन है, ये ग्लूकेगॉन हार्मोन्स को भी स्त्रावित करता है। ठीक है, आइलेट्स ऑफ जो लैंगरहैंस होते हैं, ये ग्लूकेगॉन हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। देखो यहाँ पे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात की गई है, तो अभी इनका काम नहीं है, जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये देखो हमारे जो आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, ये क्या होते हैं? 1% ऑफ द पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स के होते हैं ना। अग्न्याशय का 1% भाग होता है, किसका? अग्न्याशय का 1% भाग हमारे क्या है? लैंगरहैंस के द्वीप समूह हैं, लैंगरहैंस के द्वीप समूह हैं है ना, लैंगरहैंस के द्वीप समूह हैं। ये किसका सिक्रेशन करते हैं? ये हमारे इंसुलिन का। इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को मेंटेन रखने का काम करता है, ब्लड शुगर को क्या करता है? मैनेज रखता है, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, ये आपके चार तरह के होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल है ना, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा है ना, कुछ कुछ में योटा भी बोला जाता है, लेकिन ये हमारी बेसिकली तीन तरह से ही हम लोग लेते हैं, अल्फा, बीटा और गामा सेल लेते हैं। ठीक है, यही हमारी क्या करती हैं, देखा जाए तो इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। चलिए अभी और इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका लैंगरहैंस की दीपिकाओं में नहीं होती है? कौन सी कोशिका लैंगरहैंस की दीपिकाओं में नहीं होती? एक बार सेशन को शेयर करिए, सभी बच्चे शेयर कर दीजिए भाई सेशन को, है ना, जितने भी आपके ग्रुप बने हो सब में शेयर करिए, आज जनसंख्या बहुत कम है। चलिए, कौन सी नहीं है? तो आपने देखा अल्फा, बीटा और डेल्टा तीनों तो आपको दिख रही हैं, कौन सी नहीं दिख रही है? एसिनर सेल नहीं दिख रही है। तो बिल्कुल एसिनर सेल जो है वो हमारी आईलेट्स में नहीं मिलती है। तो बिल्कुल आप लगा पाए होंगे, बिल्कुल आपने ऑप्शन कर लिया होगा, कर लिया या नहीं, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का गया। अग्न्याशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स के संदर्भ में कौन सा गलत मिलान है? कि जो हमारा अग्न्याशय पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स की बात कर रही है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स किसका सिक्रेशन करती है? इंसुलिन का सिक्रेशन करती है ना। इसमें तीन मेन आइलेट्स होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जिसमें तीन सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, अलग अलग कोशिकाएँ जो हमारी सेल्स होती हैं, ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। जैसे अल्फा सेल को दिया है ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करती हैं, बीटा सेल का दिया है इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं, डेल्टा सेल का दिया है सोमेटोस्टेरिन का सिक्रेशन करती हैं, एसिनार सेल दिया है इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चों ने हमारे पकड़ लिया कि जब एसिनार सेल ही नहीं होती है तो इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से करेंगे, है ना, जब एसिनार सेल ही नहीं होती है तो इंसुलिन का सिक्रेशन कौन करेगा? तो यहाँ पे आप इसको तो ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि अल्फा सेल किसका? ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का। अल्फा सेल किसका? ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का। बीटा सेल इंसुलिन का, बीटा सेल इंसुलिन का। डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन का सिक्रीशन करता है। अल्फा एक ग्लूकेगॉन, बीटा इंसुलिन, डेल्टा सोमेटोस्टैटिन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है ना, इसका पर्पस क्वेश्चन का ये आपको बताना था, ये तो
फॉर्मेलिटी है ना, ये अल्फा ग्लूकेगॉन, बीटा इंसुलिन, डेल्टा सोमेटोस्टैटिन। आगे चलिए, हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है? जो हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, जैसे अभी रक्षाबंधन का त्यौहार था है ना, तो सब भाइयों ने हमारे भर भर के मिठाई खाई होगी है ना, अब क्या ही बताएं, यहाँ पे तो भूल जाते हैं। अगर किसी भाई को शुगर भी होता है, अरे आज तो खा लेने दो है ना, आज तो खा लेने दो, आज तो बनती है। और वो ऐसे भी नहीं कहते, कहते पांच तरह की मिठाई, सात तरह की मिठाई या ग्यारह तरह की मिठाई लाना है ना। एक तो हमारे भाई साहब हैं, वो ग्यारह तरह की मिठाई जब तक ना लेके जाओ तो राखी ही नहीं बंधवाते हैं। अब बताओ, अब उनके अंदर और डायबिटीज के पेशेंट और हैं, तो जब बताओ ऐसी मिठाइयाँ खाएंगे तो क्या ही होगा। तो देखो, हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है? क्या इंसुलिन, क्या ग्लूकेगॉन, या आपका कोलेस्ट्रॉल, या फिर थायरोक्सिन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों ने, बिल्कुल आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है। कौन करता है हमारा? इंसुलिन ही करता है। कौन करता है बेटा? इंसुलिन। ठीक है, यही हमारी शर्करा को, अतिरिक्त ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लाइकोजन हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाता है, और एक त्यौहार आया मतलब एक किलो वजन बढ़ जाता है। हम जैसे लोगों का तो और भी जल्दी बढ़ता है ना, एक त्यौहार मतलब एक किलो वजन। अब सोचो, हमारे रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? हमारे शरीर में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो एक हार्मोन्स तो आपने किसको देख लिया? एक हार्मोन्स आपने देख लिया इंसुलिन को। इंसुलिन के अलावा भी कोई हो सकता है क्या? इंसुलिन के अलावा भी कोई हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ, इंसुलिन के अलावा कौन करता है आपके? ग्लूकेगॉन करता है ना। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन मतलब ए एंड डी, क्या एंड, ए एंड डी मतलब एंड। तो ध्यान में रखिएगा, इंसुलिन तो करता ही करता है, साथ में आपका ग्लूकेगॉन भी क्या करता है? सिक्रीशन करता, नियंत्रण करता है। तो आपका ए और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मनुष्य में उपवास के दौरान सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। मनुष्यों में उपवास के दौरान सामान्य रुधिर स्तर या सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, कितना होना चाहिए? अगर व्यक्ति फास्टिंग रख रहा है, जैसे आप अपना शुगर चेक करवाने जाते हैं तो डॉक्टर दो बार करता है, एक खाने के पहले और एक खाने के बाद। तो खाने के पहले मतलब उपवास के दौरान हमारे शरीर में कितना ब्लड शुगर होना चाहिए? तो ये हमारा कितना होना चाहिए, बच्चे भी दे रहे हैं 50 से 70 है ना। तो ये अब देखो, अब जो नया आंकड़ा आया है उसके हिसाब से कितना बोला गया है, अगर 80 से 100 ग्राम है तो आप ठीक है ना, 80 से 100 ग्राम है तो ठीक है। ये वर्तमान का ऑन एवरेज डेटा लिया गया है। ठीक है बच्चे, पहले हम लोग 70 तक भी देखते थे, 70 से अगर ज़्यादा होती थी तो व्यक्ति घबरा जाता था, लेकिन अब की क्या है, अब की कार्यविधि ही ऐसी है, अब की कार्यविधि ही ऐसी है, तो आपका जो लिया गया है वो डेटा सही माना गया है, 80 से 100 के बीच में है, तो मतलब आपका ब्लड शुगर सही है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा है या इससे कम है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, चलिए, हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से क्या होता है? अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होता है? डायबिटीज तो हो ही जाती है, क्योंकि वो शुगर को मेंटेन नहीं करता है ना। साथ ही साथ ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? यूरिन में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। कहाँ? यूरिन में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर ग्लूकोज का स्तर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन नहीं बन पाता है, तो ऐसे व्यक्तियों का घाव भी देरी से भरता है, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हमारे डायबिटीज़ को साइलेंट किलर बोला जाता है ना। डायबिटीज़ धीरे धीरे मारती है बेटा, इकट्ठा नहीं मारती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? साइलेंट किलर बोला जाता है भाई। तो ये क्या करती है? डायबिटीज भी हो जाती है, ग्लाइकोसूरिया भी हो जाती है, घाव भी देर से भरता है। बहुत बढ़िया, चलिए। अच्छा, रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने
होता है। ये बताइए, आपको क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना? सारे बच्चे क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन टफ तो नहीं लग रहे हैं? चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार सभी बच्चे बताइए हमारे। हाँ बिल्कुल, साइलेंट किलर कहते हैं। और सेशन को शेयर करिए एक बार सभी बच्चे। तरीके से समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही है एक बार बताएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने से होता है। अगर शर्करा की मात्रा कम हो गई तो क्या होता है? क्या ग्वाइटर, हाइपोग्लाइसीमिया, जाइंटिज्म या फिर ड्वार्फिज्म? बताएं भाई क्या हो सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। हाँ बहुत बढ़िया किंग कोहली। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो शर्करा की मात्रा कम हो जाए और दूसरी क्या हो जाए, शर्करा की मात्रा बढ़ जाए, है ना। एक होता है शर्करा की मात्रा का बढ़ जाना, ब्लड शुगर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना, ठीक है। और दूसरा क्या है, शर्करा की मात्रा का घट जाना, घट जाना, ठीक है। घट जाना और कष्टदायी होता है। तो अगर बढ़ जाती है, पहले घटने वाले का बता दे, नहीं तो आप कहेंगे क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, है ना। देखो इसको क्या बोला जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। हाइपो मतलब कम होता है, ग्लाई मतलब ग्लूकोज होता है, और सीमिया मतलब क्या होता है, कमी होती है, है ना। हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। अगर मात्रा बढ़ जाती है तो इसको हाइपर, क्या, हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है, ग्लाइसीमिया बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, अगर ज्यादा हो जाती है तो हाइपरग्लाइसीमिया, अगर कम हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। घेघा आपको पता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से होता है ये, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स सोमेटोट्रोपिन की कमी से होता है, ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से हो जाता, अरे अधिकता से हो जाता है, है ना। और ये हमारे सोमेटोट्रोपिन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन की अधिकता से, ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से आपका ड्वार्फिज्म हो जाता है, और अधिकता से आपका जाइंटिज्म हो जाता है, ठीक है। बहुत मतलब शरीर भयानक अवस्था में हो जाता है अगर अगर आपका सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो गया, अगर कम मात्रा में होता है तो ड्वार्फिज्म हो जाता है। चले आगे की ओर, बहुत बढ़िया। जंतुओं में भोजन किस रूप में संचित होता है, पूछा गया है, जंतुओं में भोजन किस रूप में संचित होता है। जंतुओं की बात की गई है कि जंतुओं में भोजन या जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, या अमीनो अम्ल के रूप में। गोलू, मिथलेस, सेवक इंडियन, बहुत बढ़िया। तो देखो हमारे शरीर में जो भोजन संचित होता है वह किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, है ना। इसे हम लोग ग्लूकोज स्टार्च भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज स्टार्च भी कहते हैं, है ना, ग्लूकोज स्टार्च कहते हैं। अब देखो इसको ग्लूकोज स्टार्च क्यों कहा जाता है, देखो पौधों में जो भोजन संचित होता है, पौधों में जो प्लांट्स में हमारे भोजन फूड स्टोरेज होता है, भोजन संचित होता है, वह किस रूप में होता है, वह हमारे स्टार्च के रूप में होता है, है ना। और हमारे में किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, या आपको ग्लाइकोजन के रूप में, बेटा कभी भी ग्लूकोज स्टार्च भी लिखा मिल जाए ना, ग्लूकोज स्टार्च, स्टार्च बस नहीं, स्टार्च पर अगर आ गया तब तो ये हमारे प्लांट्स की बात कर देगा, है ना, किसकी बात करेगा, प्लांट्स का पूछ लेगा। अगर ग्लूकोज भर आ गया तो ग्लूकोज तो हमारा क्या है, हमारा ईंधन है, एज अ फ्यूल के रूप में यूज होता है, लेकिन स्टोर जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्लियर हुआ, किसके रूप में, ग्लाइकोजन। अमीनो अम्ल क्या बना लेगा, अमीनो अम्ल से बेटा प्रोटीन बनती है, क्या बनती है, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनती है, ठीक है। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है, इसको हमने तब जानबूझ के वहाँ पे नहीं बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही रखा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है, पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, या फिर आपका ग्लूकेगॉन करता है। सभी बच्चे बताएंगे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, तो कौन परिवर्तित करता है, ये हमारा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को, तब तक आप लोगों को भी चांस मिलना चाहिए ना, ग्लाइकोजन को किस में बदलना है, ग्लूकोज में बदलना है,
कौन बदलेगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये बदलता है आपका ग्लूकेगॉन। कौन बदलता है ग्लूकेगॉन? ए आर डी। आज राकेश कह रहे हैं ए आर डी, है ना। एक बच्चा आता था हमारा रणधीर, वो हर क्वेश्चन में मतलब दो ऑप्शन उसके पास रहते थे, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल कौन है बेटा, डी है। इंसुलिन नहीं बदलता है, इंसुलिन तो क्या करता है, ये हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन रखने का, मैनेज रखने का काम करता है, ठीक है, बदलने का काम नहीं करता है, ठीक। चलिए, अग्न्याशय द्वारा स्त्रावित होने वाला सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स का काम क्या है? हमने अभी बताया कि हमारे जो पेंक्रियाज है, इससे दो हार्मोन्स, एक तो इंसुलिन का, इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, कौन सेल करती है, बीटा सेल करती है, अल्फा सेल ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करती है, दूसरा हार्मोन्स हमारा सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स है। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स का कार्य पूछा गया है क्या है? यह रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, यह रक्त में शर्करा की मात्रा को घटाता है, यह इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के हार्मोन के स्राव को बंद करता है, यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। सारे बच्चे बताएंगे, हाँ राकेश देखो कितने खुश हो गए, हाँ सारे बच्चे बताएंगे यह हमारा क्या काम करता है, सभी बच्चे बताएंगे कि ये हमारे क्या काम करता है। तो देखो, जो हमारा सोमैटोस्टैटिन होता है, ये बेसिकली बिल्कुल रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, ठीक है, और क्या करता है, बढ़ाता भी है और घटाता भी है। अच्छा, बिल्कुल, ये बढ़ाता भी है और घटाता भी है। अब ये नहीं कहना कि एक ही करेगा, है ना। हाँ बिल्कुल, ये क्या करता है, ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाने का काम भी करता है और घटाने का काम भी करता है, जैसे हमारे शरीर की डिमांड होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट खाते हो तब तो आराम से ही भरा हुआ है आपके शरीर में शर्करा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन लोगों को स्वीट नहीं पसंद है, मिठाइयाँ नहीं पसंद है, तो वो क्या है, उनके लिए हमारा बॉडी क्या करता है, ग्लूकोज निकाल निकाल के देता है। जो खाना हम लोग खाते हैं, रोटी दाल चावल, उसी से ग्लूकोज शर्करा निकाल देता है और बॉडी में भेजता है। देखो, थोड़ा मीठा खाना भी जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए, ग्लूकोज मिलता है जल्दी, है ना। ये क्या करता है, ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का स्राव बंद करवा देता है। भैया जब हमारे इंसुलिन या ग्लूकेगॉन का स्राव बंद करवा देगा, तो फिर ना तो शर्करा बढ़ेगी ना शर्करा घटेगी। तो ये क्या है, ये बंद नहीं करवाता है। क्या बोला है, का कार्य, अच्छा कार्य है कि बात की गई है। देखो, कार्य है कि बात की गई है सोमैटोस्टैटिन की। तो ये क्या करवा देता है, यह रक्त की मात्रा को, यह रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। नहीं, ये तो फिर दिक्कत वाला काम हो जाएगा ना, है ना। यहाँ पे जो एग्जैक्ट ऑप्शन आपका दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का काम कौन करता है, ग्लूकेगॉन करता है, ना। सीधे ऑप्शन दे दिया है, कोई घुमा फिरा के नहीं दिया गया है। इसकी मात्रा को घटाता है, इंसुलिन का काम आ जाएगा, है ना। इंसुलिन ग्लूकेगॉन ये दोनों मिलके कर लेते हैं। यहाँ पे सोमैटोस्टैटिन का काम नहीं है, यह रुधिर में कैल्शियम को नियंत्रित करता है, ये भी कार्य नहीं है। इसका जो कार्य है, बिल्कुल ये क्या करेगा, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के स्राव को बंद करने का काम करता है। आ गए हम, ठीक है भाई, क्या है ये, क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के स्राव को बंद करने का काम करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखो, क्वेश्चन को पढ़ के हो सकता है एक बार आप कन्फ्यूज हो जाए। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स की बात की गई है, तो का कार्य है, तो इसका कार्य क्या है, यह इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के स्राव को बंद करवाने का काम करता है, ठीक है। बाकी कोई भी काम इसके नहीं है, बाकी सबके लिए अलग अलग चीजें दी गई हैं, ठीक है। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि तितली के आकार की होती है, कौन सी ग्रंथि हमारी बटरफ्लाई शेप की होती है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स या फिर ओबरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। तो कौन सी हमारी तितली के आकार की होती है, तो ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है ना, कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, है ना। और कहाँ पे होती है, हमारे गले में होती है, नेक में होती है, कहाँ पे होती है, गले में होती है ना। देखो ये कुछ ऐसी दिखती है, ये देखो ये कुछ ऐसी बटरफ्लाई शेप की दिख रही होगी आपको, दिख रही है या नहीं दिख रही है,
बताना प्यारे बच्चों, ये हमारी कुछ ऐसी दिखती है ना, जैसे हमारी बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं, बटरफ्लाई भी हमारी ऐसी ही दिखती है। कैसी? ऐसी 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 थोड़ी दिखती है ना, उसके पंख ऐसे ऐसे होते हैं और यहाँ पे वो दो तीन चीज़ें निकली होती हैं ना। तो ऐसी हमारी बटरफ्लाई दिखती है और ऐसी ही हमारी ये क्या दिख रही है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड्स है वो दिख रही है। तो किस शेप की होती है हमारी, तितली आकार की कौन सी ग्लैंड्स होती है, हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है कहाँ पे, थायराइड ग्रंथि हमारी पाई जाती है, ब्रेन में, नेक में, स्टोमक में या फिर आंत में, बताइए भाई। देखो ब्रेन में हमारी तीन ग्रंथि हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइपोथैलेमस, आप लोग बताएं तब से हाइपोथैलेमस पढ़ चुके हैं, है ना। हम लोग पीयूष ग्रंथि पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि पढ़ चुके हैं, और किसकी बात हो चुकी है, पीनियल ग्लैंड्स की बात कर चुके हैं, है ना। पीनियल ग्लैंड्स जो आपकी सबसे छोटी ग्रंथि भी है, इसकी बात कर चुके हैं। तो ये तीनों तो हमारे ब्रेन में है। अब हम ब्रेन से थोड़ा सा नीचे की ओर आ रहे हैं, तो ये हमारे कहाँ पे पाई जाती है, बिल्कुल गले में पाई जाती है। ये देखिए जो हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड हैं, ये कहाँ पे है, हमारी गले में है। थायराइड भी पैराथायराइड दोनों गले में है। थाइमस हमारे यहाँ पे पाई जा रही है, चेस्ट वाले भाग में, ठीक है। हमारी पेंक्रियाटिक ग्लैंड्स आपको दिख रही होगी, ये हमारी पेंक्रियाटिक ग्लैंड्स दिख रही है, ठीक है। फिर ये आपकी किडनी दिख रही है, किडनी में हमारी दो किडनी होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स, अधिवृक्र ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। देन ये हमारे टेस्टिस और ओवरी है, ठीक बेटा। चलो अच्छा, थायराइड ग्रंथि, थायराइड को हिंदी में अवटु अवटु बोलते हैं। अवटु ग्रंथि के दोनों पिंडों एक संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पूछा गया है। जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, इसके जो दोनों पिंड होते हैं, पिंड का मतलब दोनों विंग्स होते हैं, जो हमने अभी तितली बताई है, तितली के आकार के जो दोनों विंग्स होते हैं, ये किससे, एक पार्ट से जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थमस इनफंडिबुलम बोलते हैं, या स्टाक बोलते हैं, या फिर ननोपदीज बोलते हैं, बताएं सभी बच्चे, बताएं इसका क्या आंसर होगा। ये कह रहा है कि जो ये हमारे विंग्स जुड़े हुए होते हैं, ये हमारे विंग्स यहां से ये भाग जुड़े हुए होते हैं, इस भाग को क्या कहा जाता है, बताएं भाई क्या कहा जाता है इस भाग को। तो इस भाग को क्या कहते हैं, स्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नहीं नहीं स्टाक नहीं कहते, क्या कहते हैं, स्थमस कहते हैं। स्थमस से दोनों भाग जुड़े होते हैं, तितली के आकार के होते हैं ना, बटरफ्लाई से, हाँ। तो ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, स्थमस से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अब ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स अवटु ग्रंथि का हार्मोन्स है, थायराइड ग्रंथि का हार्मोन्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बच्चों ने इसको गलत भी किया है। तो एक बार ये हमारे बच्चे जितने भी लाइव हैं बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स हमारा अवटु हार्मोन्स है। तो देखो जो हमारी थायराइड ग्लैंड से ये दो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, एक T3 हार्मोन्स और एक T4, कौन कौन सा, एक आप T3 हार्मोन्स का और एक आपके T4 हार्मोन्स, दोनों का सिक्रीशन हमारी कौन करती है, अवटु ग्रंथि करती है ना। थायराइड ग्लैंड जो है ये T3 और T4 दोनों का, तो आप लगा सकते हैं B और C दोनों का सिक्रीशन कौन करती है, हमारी थायराइड ग्लैंड करती है, ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। क्या आपकी ये हमारी जो पैराथायराइड ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स और पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये किसका सिक्रीशन करती है, ये आपके T3 और T4 हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। अब देखो यहाँ पे काम भी दिया गया है, थायरोक्सिन हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स को भी कहा जाता है, किस नाम से हमारे थायरोक्सिन हार्मोन्स को जाना जाता है। देखो T1 T2 T3 T4, अब देखो हमने आपको बताया कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, ठीक है, एक T3 का भी करती है और एक T4 का भी करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चूंकि दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो थायरोक्सिन हार्मोन्स को किस नाम से जाना जाता है, तो ज्यादा सिक्रीशन बेटा किसका करती है, T4 का करती है, ज्यादा सिक्रीशन, ज्यादा स्त्रवण किसका करती है,
T4 का करती है तो बेटा हम इसको क्या बोलेंगे, T4 बोलेंगे, है ना। 50 का T3 नहीं, T4 का ज़्यादा सीक्रेशन करती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, लगाया है कि दोनों अगर दिया जाएगा और दोनों की वरीयता क्रम में अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसे कहा जाएगा, तो जो जो हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में काम करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी का नाम देंगे। और यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में काम कौन करता है, T4 करता है। कौन सा हार्मोन्स, थायरोक्सिन हार्मोन्स, थायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये क्या करता है, हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को संतुलित रखने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हुआ, किसकी मात्रा को संतुलित करता है, आयोडीन की मात्रा को। आगे देखते हैं, थायरॉयड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स कौन कौन से हैं, बताएंगे। अब यहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड्स की बात की गई है कि थायरॉयड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। हाँ बिल्कुल, 50 का T3 नहीं बेटा, T4 होगा, है ना, T4। देखिए किसका किसका सिक्रेशन करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन समझ ही गए होंगे, थायरोक्सिन या कैल्सिटोनिन, इंसुलिन या ग्लूकेगॉन, या इनमें से कहीं कोई भी नहीं। तो देखो अभी आपने इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों को पढ़ लिया, ये आपके पैंक्रियाटिक हार्मोन्स हैं, अग्न्याशय से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं दोनों, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अभी हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, है ना, आगे पढ़ेंगे। तो ये कहाँ से, ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, मतलब ओवरी एंड टेस्टिस से सिक्रेट होते हैं। जो हमारा थायराइड ग्रंथि द्वारा सिक्रेट होता है वो है हमारा थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। कौन सा बेटा, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, गोलू नहीं बेटा, क्या थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन को सिक्रेट करता है हमारा कौन सा हार्मोन्स, हमारा थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा थायरोक्सिन हार्मोन्स का कार्य नहीं है, ठीक है, किसकी बात की गई है, कार्य नहीं है। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ये थायरोक्सिन का सिक्रेशन करता है और कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन करता है, दोनों पॉइंट माइंड में बिठाना है और इन ऑप्शंस को पढ़ना है। यह गर्म खून वाले प्राणियों में शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है, देखते हैं। यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करता है, ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है, या इनमें से कोई नहीं। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था और यही ऑप्शन आपके थे, तो ये आपको ध्यान में देना है कि कौन सा हमारा कार्य होगा, कौन सा कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन्स के कार्य की अगर बात करें हम, तो ये क्या करता है, बिल्कुल गर्म खून वाले जो हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनके शरीर में तापमान को कंट्रोल करने का काम हमारा थायरोक्सिन करता है, बिल्कुल ये काम करता है। दूसरा काम क्या है, यह हमारे लाल रक्त कणिकाओं, दैट मीन्स आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ये तीनों तो काम करते हैं, ये तीनों तो काम करते हैं, जो नहीं है तो इसका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। इसमें बेशक दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है कि इनमें से कोई नहीं, ये इसके कार्य हैं। जो हमारा ऑप्शन गलत है वो ये है, है ना, इनमें से सभी होना चाहिए डी ऑप्शन आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इनको ध्यान में रखना है, 52 का ए दे रहे हैं, नहीं बेटा थोड़ा सा ध्यान में रखना है इन चीज़ों को, ऐसे ही टॉपिक को आप क्वेश्चंस को घुमा के आपको परेशान किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़े से क्वेश्चन की गंभीरताओं को ध्यान में रखना है। चलिए आगे आइए, हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है। आज का सबसे इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, ये हमारा मोस्ट इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चे इसको गलत नहीं करेंगे, सबसे इजी क्वेश्चन है, बताएंगे। थायराइड ग्रंथि अगर हमारे गले में बढ़ जाती, चूँकि थायराइड हार्मोन्स कहाँ पे पाया जाता है, हमारे नेक में पाया जाता है, थायराइड एंड पैराथायराइड दोनों पाए जाते हैं, तो अगर इस ये ग्लैंड हमारी बढ़ जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, बिल्कुल क्या कहा जाता है, आपका ग्वाइटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्वाइटर। मधुमेह हमारी किसकी वजह से, इंसुलिन की कमी से होता है ना। भीमकायता आपके ग्रोथ हार्मोन्स की अधिकता से होता है, और बौनापन जो है ये ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से होता है ना, बौनापन किसकी कमी से, ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है,
बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे, और ये कई बार आया हुआ भी है, और हो सकता है आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो गलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर जल्दबाजी में करेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए। बच्चों में पूछा गया है, हाईलाइट करना है बेटा बच्चों में, है ना, बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। बच्चों की बात की गई है, अवट वामनता या मिक्सीडीमा या एक्सोपैलेथमिक ग्वाइटर या फिर ग्रेव्स रोग, सभी बच्चे इसको बताएंगे। बात बच्चों की जा रही है ना, बच्चों की बात की जा रही है कि बच्चों में अगर थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, बताइए। तो देखो, अगर मिक्सीडीमा क्या है, बड़ों में है ना, या वयस्कों में कह सकते हैं, बड़ों से अच्छा वर्ड आपके, वयस्कों में अगर थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज द मिक्सीडीमा। क्या कहा जाएगा, मिक्सीडीमा कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर क्या है, ये हमारा सिंपल ग्वाइटर ही होता है, इसे हम लोग सिंपल ग्वाइटर ही कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम जो सिंपल ग्वाइटर होता है, आपका सामान्य घेघा जो है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर भी कह देते हैं। ग्रेव्स रोग, ये भी हमारे थायराइड ग्लैंड्स की असामान्यता के कारण होता है। इसमें क्या है, आंखें, आपकी आंखें बाहर आ जाती हैं, आंखें बाहर आ जाती हैं, है ना, और देखा जाए आपके जो आंखें बाहर आ जाती हैं, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं और सूजन आ जाता है आंखों में। क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, ठीक है। अच्छा देखो, जो बच्चों में होता है, बच्चों में क्या है, क्रेटिनिज्म है। बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, क्रेटिनिज्म हो जाता है। देखो यहाँ पे दिया भी है आपका, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रेटिनिज्म इन द इन्फेंट्स, मतलब बच्चों में जो है, इन्फेंट्स का मतलब ही है बच्चों में, मैक्सीडीमा इन एडल्ट्स, अगर मैक्सीडीमा किस में होता है, एडल्ट्स में होता है। सिंपल ग्वाइटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर बोलते हैं। अच्छा, हाशिमोटो डिसीज, ये हाशिमोटो डिसीज क्या होती है, हाशिमोटो डिसीज, इसमें आयोडीन की बहुत कम मात्रा हो जाती है शरीर में, किसकी, आयोडीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि शरीर में सारे जो भी मिनरल्स हैं उनको मैनेज होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे ये हाशिमोटो डिसीज बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो हम लोग इसको कहते हैं कि हाशिमोटो रोग हो गया, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। थायराइड ग्लैंड से पूछा गया है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग और उसके लक्षण का गलत मिलान चुने, ठीक है। थायराइड रोग और उससे संबंधित जो लक्षण हैं उनका गलत मिलान चुनना है, तो थायराइड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक एक बार देखना है। देखो आपका क्रेटिनिज्म दिया है, वृद्धि अवरोधित हो जाती है, छोटे बच्चों में अगर थायराइड हो गया तो फिर क्या हो जाता है, उनकी वृद्धि अवरोधित हो जाती है। मिक्सीडीमा, सूजा हुआ चेहरा। एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, नेत्र गोलक का बाहर की ओर आ जाना। एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, अवट ग्रंथि का आकार छोटा हो जाना। तो बताएंगे सभी बच्चे, एक बार बताएंगे। हाँ बच्चे बता रहे हैं, अवरोधित वृद्धि हो जाना, क्रेटिज्म। हाँ अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका क्या होना चाहिए। अरे भानु यादव, देखो जो वृद्धि अवरोधित होती है वो किससे होती है, ये हमारे ग्रोथ हार्मोन से होती है। किससे होती है, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स से होती है, बाकी तो सब सही ही लग रहे हैं, है ना। एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, थायराइड ग्रंथि के आकार का छोटा हो जाना। एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, नेत्र गोलकों का उभार आ जाना, ठीक है। मिक्सीडीमा, सूजा हुआ चेहरा या आपका स्वेलन फेस। अवटुमानता, इसमें अवरोधित वृद्धि ये नहीं होगा, है ना। वृद्धि अवरोधित किसकी वजह से हो जाती है, वृद्धि अवरोधित हो जाती है आपकी देखा जाए तो ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से, है ना, ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से वृद्धि अवरोधित हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चले। मनुष्यों में उपस्थित परा अवट ग्रंथि के संदर्भ में कौन सा असत्य है। पैरा थायराइड ग्लैंड की बात की गई है, अवटु मतलब थायराइड ग्लैंड और परा अवटु मतलब क्या है, पैरा थायराइड ग्लैंड। बेटा इंग्लिश में ही बोलना है ना, हिंदी इज टू टफ। ये संख्या में चार होते हैं,
पैराथायरॉइड ग्लैंड्स का नंबर हमने बताया था कितने होते हैं, संख्या में 4 होते हैं, बिल्कुल। ये थायराइड ग्रंथि के पश्च सतह पर स्थित होते हैं। क्या ये थायराइड ग्लैंड्स के पश्च सतह पर स्थित होते हैं? तो बिल्कुल, ऊपर की ओर हमारी थायराइड होती है और पीछे की ओर हमारी क्या होती है, पैराथायरॉइड, है ना। सामने की ओर थायराइड और पीछे की ओर क्या होती है, पैराथायरॉइड होती है, बिल्कुल आप कह सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये पैराथायरॉइड पीटीएच नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। ये हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं। बताइए, सोनिया दीदी बताएंगी, है ना, राकेश शेखर बताएंगे कि हमारी थायराइड और पैराथायरॉइड ग्लैंड्स कहाँ पे होती है, हमारे गले में स्थित होती है, गले में होती है या नहीं होती है, बताओ। तो बिल्कुल ये असत्य पूछा गया है ना, विच वन इज रॉन्ग। तो ये हम संख्या में 4 होती है, बिल्कुल। ये थायराइड ग्रंथि के पश्च सतह पर स्थित होती है। ये पैराथायरॉइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। और ये क्या है, ये हमारे शरीर के मस्तिष्क में नहीं बेटा, कहाँ पे होती है, नेक में होती है, मतलब गले में होती है। कहाँ पे होती है, गले में होती है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। ध्यान में रखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे हो सकता है मिस हो जाए। हमारे शरीर में, हमारे रक्त में कैल्शियम स्तर, कैल्शियम के स्तर को कौन बढ़ाता है? अच्छा देखो, जो हमारा थायराइड है और पैराथायराइड है, ये हमारे शरीर में कैल्शियम स्तर को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। और बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे शरीर में कौन करता है, जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड्स है। थायराइड आयोडीन की मात्रा को नियमित करता है और जो पैराथायराइड है ये किसकी मात्रा को, कैल्शियम की मात्रा को नियमित करता है। तो ध्यान में रखिए, पूछा गया है हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन हार्मोन्स, पैराथायराइड हार्मोन्स, ट्रेटा आयडोथायरोन थायरोनिन हार्मोन्स या मेलाटोनिन हार्मोन्स। बच्चा बहुत जल्दबाजी में ए लगा सकता है, बहुत जल्दबाजी में ए लगा सकता है, लेकिन आपको ए नहीं लगाना है। देखो, भानु को मैंने कहा था कि आप बहुत जल्दबाजी में थायरोकैल्सिटोनिन दिया है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन जो जब पैराथायराइड नाम ही दिया है, पैराथायराइड हमारे इस हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, है ना। कौन से हार्मोन्स का, पैराथायराइड हार्मोन्स हमारे थायरोकैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करता है। तो भैया जब उसके पिताजी बैठे हैं तो बेटे को बोलने का जल्दी हक नहीं होता है, है ना। तो भैया ये इनके हैं पिताजी और ये हैं इनके दो बच्चे, एक और बच्चा है थायरोकैल्सिटोनिन और इसके साथ एक और होता है। तो पहली प्रायोरिटी हम इनको देंगे, है ना, पहली प्रायोरिटी किनको देंगे, इनको देंगे, बाद में हम उनको देंगे, ठीक है। अगर ये नहीं होते, अगर ये यहाँ पे नहीं होते, है ना, तो फिर हम लोग इनको बिल्कुल 100% प्रायोरिटी देते, लेकिन जब ये बैठे हुए हैं तो इन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। आइए यहाँ पे थायराइड हार्मोन्स के संदर्भ में सही कथन चुनिए। इसे हाइपर कैल्सीमिक कहते हैं, बिल्कुल हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन्स कहा जाता है। इसे कॉलिप्स हार्मोन्स कहा जाता है। देखो, एक थायरोकैल्सी या कैल्सिटोनिन है और दूसरा हमारा हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन्स, है ना। दो बच्चे हमने बताया, दूसरा बच्चा यहाँ पे आ गया इनका, ठीक है। इनमें से सभी, तो देखिए इसमें कौन सा कथन चुनना है, सही कथन की बात की गई है, ये जरूर देख लीजिएगा कि सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है, है ना। बच्चा पढ़ता नहीं है, फटाफट जो लगा एक बार देखे हाँ संदर्भ में, फिर आगे से देखने लगते हैं कि ऑप्शन अब देखा जाए। तो बिल्कुल ये इसे हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन्स भी कहा जाता है, यह इसे हम कॉलिप्स हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके कमी से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। हाइपोकैल्सीमिया मतलब क्या, शरीर में कैल्शियम की कमी, शरीर में कैल्शियम की कमी, ठीक है, कमी को क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिक कहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन इज बिल्कुल राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो हम लोग इनको कर लेते हैं, है ना। आगे देखते हैं एक और, इसका देख लीजिए ये वाला, थायराइड ग्रंथि के थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग और उसके लक्षण का गलत मिलान कौन सा है, कौन सा हमारे थायराइड ग्रंथि का रोग है। तो देखो, अब ये तो हमारा लगभग सेम ही क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है तो इस पे नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर और देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है।
तो बिल्कुल आप देखिए कैल्सिटोनिन इंसुलिन या फिर आपका थायरोक्सिन हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन्स। तो यहाँ पे कैल्सिटोनिन भी करता है बेटा और पैराथायराइड है, पैराथायराइड से भी कैल्सिटोनिन सिक्रीट होता है और ऑप्शन में आपका ए और डी दिया है तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा ए और डी, ए और सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थायराइड पैराथायराइड हार्मोन्स ही किसका सिक्रीशन करता है, कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो दोनों आपका चूंकि दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ये नहीं दिया होता तो हम वरीयता इनको देते, अगर ये नहीं दिया होता तो हम इनको वरीयता देते, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में दिया है तो हम लोग दोनों को देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो लगभग लगभग आपके पैराथायराइड ग्लैंड्स से यहाँ सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। अभी हमारी दो ग्लैंड्स और बची हुई हैं, एक हमारी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लिवर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कल ऑलमोस्ट आपका ये एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन सिस्टम हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू बच्चों।